हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर एलईडी जो लाइट्स है, यहाँ पर मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, लेकिन इसको जब मैंने खोला और यहाँ पर इसका जो एसएमपी से पावर एलईडी ड्राइवर है, ये ड्राइवर खराब हो चुका है, इससे आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसके वायर काटा है और देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी ड्राइवर खराब हो चुका है। लेकिन अभी ये एलईडी ड्राइवर रिपेयरिंग करने से पहले हम ये चेक करना पड़ेगा हमें कि इसकी जो एलईडी है ये ओके है या नहीं। तो एलईडी ड्राइवर जो है हमारा यहाँ पर जो एलईडी चेकर है, इससे हम चेक करेंगे कि इसकी जो एलईडी है ये ओके है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये ओके है या नहीं। यहाँ पर कभी ये चालू होती है तो इसका कोई वांदा नहीं, खाली हमें ड्राइवर जो है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं ये ऑन होती है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमें प्रोप उल्टी करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्लस माइनस। तो चलिए अच्छे तरह से मैं लगा दिया यहाँ पर ऑन। ये देखिए यहाँ पर लगती है या नहीं। तो यहाँ पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है देखिए, लेकिन यहाँ पर प्रोप उल्टी करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ये कंप्लीट चालू हो चुकी है, इसका मतलब हमारा प्लस माइनस गलत लग रहा था इसीलिए नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट चालू है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खाली इसका जो एलईडी ड्राइवर किट है इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि ये एकदम पैकिंग होती है, सील होता है उसको, देखिए इस तरह का सील होता है। लेकिन इसको रिपेयर करने का और ये निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉट गन से इसको थोड़ा सा हीट देने के बाद, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा हीट करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रू ड्राइवर से या थोड़ा सा कुछ दूसरी नोकीली चीज़ से इसको धीरे धीरे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे मैं तो आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे को एक हाथ में हॉट गन है और दूसरे हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, ये पकड़ना नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ इसको और ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसको, देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा हीट कर लिया है और हीटिंग करने के बाद थोड़े स्क्रू ड्राइवर से अभी पट पट निकल रहा है देखिए। तो थोड़ा थोड़ा गर्म करना होता है इसको, गर्म करने के बाद स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे, ये देखिए इसे थोड़े हीट करेंगे और हीट करने के बाद यहाँ पर उसको धीरे धीरे इसको निकाल देंगे। तो ये इसका तरीका होता है, इसका ये जो ग्लू होता है ये निकालने का। देखिए धीरे धीरे निकल रहा है, जो हमें अशक्य लग रहा था, जो नहीं निकालने वाला था, तो इसे हीट देने से अच्छी तरह से निकल आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निकालने का भी एक तरीका है कि ये धीरे धीरे ही निकलना है, क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स होते हैं देखिए यहाँ पर, और वो पार्ट्स है डिजिटल, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्योंकि कभी कभी हम ये ग्लू निकालने के चक्कर में जो अंदर के पार्ट होते हैं उसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये डैमेज नहीं हो जाए इसीलिए हमें इसकी खबरदारी लेनी होती है। ओके, तो देखना यहाँ पर धीरे धीरे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको, और बहुत ही सावधानी से हमें थोड़ा थोड़ा निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो हमें उस तरह से नहीं निकालना है, क्योंकि कोई पार्ट यहाँ से डैमेज होता है और वो पार्ट नहीं मिलता तो हमारा इतनी भी सारी मेहनत पानी में जा सकती है। तो हमें सबसे पहले सबसे धीरे 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 इसको निकालना है। ओके चलिए, तो ये धीरे धीरे हमें यहाँ पर निकाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से देखो इस तरह से। तो यहाँ पर धीरे 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 ये ऐसा काम करना है। अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्किप करता हूँ वीडियो और पूरा ये निकालने के बाद ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको बहुत सारा वक्त लगने वाला है निकालने के लिए, और इतना वक्त यहाँ पर वीडियो अपना बहुत ही सारा लंबा हो जाता है, और बहुत सारा लंबा वीडियो होने के कारण लोग उसे पूरा देख नहीं पाते। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा दिया है इसका
ये कैसे निकालना होता है या इसको कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ये किट कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा दिखा के फिर थोड़ा सा स्किप करूँगा, उसके बाद पूरा किट बाहर निकाल के ही आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे इसको अच्छी तरह से ये रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि कोई कोई जो टेक्नीशियन होते हैं ये डायरेक्ट नया ड्राइवर किट डाल देते हैं और उसको चालू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का भी पैसा बढ़ जाता है रिपेयरिंग का और आपको भी कम पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसे करेंगे तो होता क्या है, ऐसे करने के बाद आप हमें भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और कस्टमर के भी पैसे बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे हम तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ये ढीला भी हो चुका है अभी, और थोड़ा सा हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए इस तरह से अभी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार थोड़ा सा इसको ये ढीला हो चुका है तो धीरे धीरे ये निकालने में आसानी होती है, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई अभी नहीं निकल रहा है तो उसको हमें रिमूव भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने पूरी तरह से ये निकाल दिया है, रिमूव करके वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उसको बाहर निकाल के अभी मैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ई ड्राइवर किट को वो यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि यहाँ पर 230 वोल्ट इन होता है या नहीं होता है, 230 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ पर डीसी वोल्टेज आता है कि नहीं वो चेक करेंगे, डीसी वोल्ट ओके है तो आगे फिर चेक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसीजर इसके अंदर नहीं है क्योंकि किट ही छोटा है तो क्या है। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं जो एसी लाइन है ये यहाँ पर कनेक्ट किया और अभी लाइन देता हूँ, और लाइन देने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी के लिए थोड़ा सा मैं टेप लगा देता हूँ, क्योंकि कभी हम यहाँ पर चेक करने जाते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा इस यहाँ पर सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपस में कभी वायर टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं टेम्पररी यहाँ पर ब्लैक टेप लगा दिया। अभी देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। ओके, देखो मैं अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ, कैसे यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट करता हूँ, ओके, जैसे कि आपको दिखा सकूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी देखो लाइन देता हूँ, यहाँ पर लाइन देने के बाद देखो यहाँ पर एसी लाइन चेक करेंगे, 213-14 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर एसी लाइन ओके है, यहाँ पर डीसी लाइन चेक करेंगे, 316 ए भी ओके है, नो प्रॉब्लम। अभी डीसी लाइन पे हमें आउटपुट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है देखिए, लेकिन यहाँ पर एसी लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ पर डायोड लगा हुआ है वहाँ पर देखो वहाँ पर स्पेक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो डायोड दिख रहा है आपको, जहाँ पर आई आउटपुट का जो डायोड है यहाँ पर वोल्टेज आगे नहीं आ रहा है, तो दिखाता हूँ मैं कौन सा डायोड है। देखिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत छोटा किट है तो वो रिपेयरिंग के लिए बहुत सारा दिक्कत होती है, तो कोई वांधा नहीं, हमारा काम वही है तो करेंगे वही। ओके, तो देखो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अभी मैं 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा कहाँ पर था वो, हाँ यहाँ पर लाइन दे दिया। ओके, ये देखो यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए जो मॉस्फेट है वहाँ पर 300 वोल्ट आना चाहिए था, वो कंप्लीट है, तो वो चेक करने के बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो डायोड है लगा हुआ, ये डायोड पे मुझे शेक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम डायोड चेक करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी पे, तो कंटिन्यूटी पे मैं चेक करता हूँ, और देखिए यहाँ पर कभी बीप आ जाती है तो प्रॉब्लम हो सकता है।
ये देखिए यहाँ पर बीप आपको मिल रही है, और ये डायोड शॉर्टिंग हुआ है देखो, जहाँ पर हमारा आउट निकलता है एलईडी के लिए। तो ये डायोड शॉर्टिंग किट पर बता रहा है, लेकिन हमें ये डायोड बाहर निकाल के देखना है कि यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग आती है या नहीं आती है। ओके, तो कैसे देखो, मैं अभी बाहर निकाल के चेक करके दिखाता हूँ आपको। कभी बाहर निकलने के बाद भी शॉर्टिंग आती है तो हमारा काम बन जाएगा, डायोड लगाने से हमारा काम भी चल जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोनों साइड से उसको शोल्डरिंग है, डुअल पीसीबी है ये डिजिटल की। तो और हाथ पकड़ने में या वो किट पकड़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पर निकाल दिया है, और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डायोड है ये शॉर्टिंग है या नहीं है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये डायोड शॉर्टिंग बता रहा है। ओके, ये डायोड यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है, मतलब ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। और अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे। देखिए मेरे पास दूसरा डायोड है, और ये डायोड यहाँ पर देखो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ओके, ये उल्टा पुल्टा करके भी देखा, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, और लेकिन ये दिखा रहा था। ये देखो यहाँ पर डायोड कनेक्शन मिलेंगे तो 179 वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर कोई नहीं दिखा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये पहला वाला डायोड शॉर्टिंग था। अभी यहाँ पर जो नया डायोड है वो इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद हमारा काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए मैं जल्दी से ये जो डायोड है इसको लगाता हूँ, और ये फिर फिटिंग करता हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एलईडी चल पाता है या नहीं। तो देखो, बहुत सारे प्रॉब्लम जो था, बहुत सारा किरकोल था, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम था, लेकिन इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि पूरा ड्राइवर किट ही चेंज कर डालते हैं, और उसको सारा बहुत सारा इसके अंदर खर्चा आता है। तो देखो, 5 रुपए का काम था, लेकिन हम 500 रुपए में यहाँ पर ड्राइवर किट लेते हैं। तो ये इसमें दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर किट कभी रिपेयर हो जाता है तो आपका भी फायदा हो सकता है और कस्टमर का भी फायदा हो सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अभी मैं ये जो डायोड है उसको लगा देता हूँ, और डायोड लगाने के बाद मैं कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कौन सी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, ये देखो। तो अभी हमारा ये किट कंप्लीट ओके हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर इसको फिटिंग कर देता हूँ, और ये किट ओके कर देता हूँ। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसको पहले जैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशन लेके यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्लैक टेप मार के फिर इसके अंदर फिटिंग करेंगे। ओके, क्योंकि अभी तो पूरा मैंने यहाँ पर कंप्लीट निकाल दिया है इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको पूरा ब्लैक टेप लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ये बहुत सारा स्लिम किट है ये, और स्लिम किट होने के कारण दूसरा यहाँ पर फिटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फिटिंग करेंगे इसको कि ये कहीं टच भी नहीं हो पाए, और इसको फिर हम ब्लैक टेप लगाएंगे। ओके, तो चलिए, तो ऊपर से हमें थोड़ा सा, अभी हमने तो ये सब निकाल दिया इसका ग्लू वगैरह, लेकिन यहाँ पर हमें पुट्ठा वगैरह यहाँ पर रखना पड़ेगा ऊपर से। तो उसको मैंने काटा, और ये पूरी तरह से फिटिंग कर दिया, पैक कर दिया, क्योंकि तो इसको बहुत वक्त लगा मुझे। और ये अभी यहाँ पर इस तरह से रखता हूँ, और ये रखने के बाद इसको वायरिंग शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस की। ओके, ये देखिए रेड प्लस है यहाँ पर, दूसरी माइनस है। तो यहाँ पर जो जो वायर जहाँ जहाँ पर है यहाँ पर मैं शोल्डरिंग कर देता हूँ, और एसी के वायर लगाने के बाद इसको फिटिंग करता हूँ। ओके, तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर दोनों भी वायर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इस सारे चीज़ें करने में बहुत टाइम या बहुत वक्त लगता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और
ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए या ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इस सारे वीडियो ऐसे बनाने में। ओके। यहाँ पर हम सब यहाँ पर टेप वगैरह लगा के फिटिंग करके यहाँ पर मैं चालू करूँगा, क्योंकि ये ऐसे चालू करने में बहुत सारी रिक्स होती है, कभी शॉक भी लग सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको टेप वगैरह लगाएंगे, ब्लैक टेप, उसके बाद ही इसको चालू करेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें करने में बहुत सारी हमें यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सब एसी लाइन से हमें खेलना होता है, और पावर सप्लाई रिपेयर करते वक्त बहुत सारी सावधानी यहाँ पर रखनी पड़ती है। ओके। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो भी देखना पड़ता है। ओके। तो देखो, ये हमारा फिटिंग हो चुका है अभी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसका जो कवर है ये लगा देते हैं इस तरह से। कवर लगाते वक्त यहाँ पर हमें देखना है कि कहीं टच होता है तो वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, कहीं टच हो रहा है तो नहीं। तो ये देखिए, मेरा थोड़ा सा टच हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये साइड वाला प्लस माइनस पे वो कवर टच हो रहा है, थोड़ा सा टच हो रहा है ना। तो हम फ्रीक्वेंसी, अपना फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कट कट कर देंगे, उसके बाद में ये कांच लगा देता हूँ ऊपर वाली, इस तरह से तो फिट हो जाएगा नो प्रॉब्लम। ये देखो इस तरह से वो मैं पॉज करके कट करूँगा, फिर लगा दूंगा। देखिए मैंने पॉज करके कट कर दिया और लगा दिया। अब यहाँ पर स्क्रू लगा देता हूँ। ओके। और हम अभी चेक करने वाले कि हमारा ये जो काम था अभी तक ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं, नहीं तो फिर हमारा पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर रिस्क ले लिया है। सब फिटिंग करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे, तो चलिए यहाँ पर वही करते हैं। यह हमारा एलईडी जो है चालू होता है कि नहीं देखते हैं। कभी हमारा यह ऑपरेशन क्लियर होता है तो जरूर लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना, क्योंकि ऐसे वीडियो जब मैं डालता हूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा यहाँ पर नस को, ये जो स्क्रू को लगा दिया है, और ये सीधा रखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, देखिए क्या होता है, ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहले स्विच ऑफ करता हूँ और ऊपर का स्विच जो है ऑन करता हूँ, ये देखो, और ये ऑन किया ये स्विच यहाँ पर ऑन करता हूँ, ये देखिए अपना एलईडी चालू हो चुका है दोस्तों। ओके। ये देखो जो भी हमारा प्रॉब्लम था ये कंप्लीट ओके हो चुका है। हमने ना इसका ड्राइवर किट चेंज किया ना कुछ चेंज किया। ओके। इसको रिपेयर कर दिया। ओके, रिपेयर हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अभी ये कंप्लीट चालू हो चुका है। अभी चलो दोस्तों, इतना सारा वीडियो अभी तक आप देख ही चुके होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। ओके। और ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को विजिट देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।